हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मटन बिरयानी। ये 1 किलो मटन है, अभी मैं इसे मैगनेट करके रखूँगी। मैगनेट करने के लिए 2-4 हरी मिर्ची, दही 200 ग्राम्स, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, आधा टेबलस्पून सहा जीरा, लाल मिर्ची पाउडर 2 टेबलस्पून, आपके स्वाद के अनुसार डालिए। मैंने 2.5 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाला है, भुना हुआ प्याज, ऑयल, जो मैंने प्याज भुना था वो ऑयल ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा कोथिंबर। अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेकर मैगनेट करूँगी। मैंने तेल 100 ग्राम्स डाला है इसमें, जो प्याज भुना हुआ था, अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैगनेट कर रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। ये मटन बिरयानी मसाला है, मैं घर में बना रही हूँ। ब्लैक पेपर, इलायची, धनिया, बे लीफ, पट्टा, सॉल्ट, सूखे गुलाब के पेटल्स, जीरा, जावित्री, बड़ी इलायची, लवंग, सहा जीरा। सारे खड़े मसालों को मैं हल्के से रोस्ट कर लूँगी इसकी खुशबू आने तक, फिर बाद में इसका पाउडर बनाऊँगी। हल्के से रोस्ट कर लीजिए। मैं बिरयानी के मटन को छोका दे रही हूँ, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा तेल, खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से लाल होने दीजिए। मसाला अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसमें मटन डाल रही हूँ। मटन अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये मैरिनेट किया हुआ मटन है आधा घंटे के लिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून, जो मैंने मटन बिरयानी का मसाला बनाया था वो। इसे ज़्यादा भूनिए मत, अभी ढक्कन लगाकर इसे पकाइए। चावल पकाने के लिए इसमें हरी मिर्ची 2, खड़े मसाले डालकर पानी उबालने के लिए छोड़ दिया है। उबलने के बाद बासमती राइस मैं ऐड करूँगी। तेल छूट रहा है मटन का, आप देखिए। मैंने ज़्यादा बिरयानी मसाला नहीं डाला है, अब आपके हिसाब से डालिए। मैं झोल बना रही हूँ चावल के लिए। झोल के लिए क्रीम, थोड़ा सा भुने हुआ प्याज, 4 हरी मिर्ची, पुदीना, कोथमीर। देखिए मटन में अच्छे से तेल छूट गया है। अब मैं इस तेल को थोड़ा थोड़ा कर निकाल लूँगी और इस झोल में डालूँगी। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये चावल को स्टिक होने नहीं देता और फ्लेवर्स भी ऐड करता है। इस झोल को मैं साइड में रख दूँगी। अब ये मटन अच्छे से पक गया है, अभी मैं गैस बंद करूँगी। पानी में उबाल आ गया था चावल के, मैंने चावल ऐड किया है। आप चावल बिरयानी का चावल कैसा बनाना है वो चिकन बिरयानी की रेसिपी में आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। गाइस 80% पक गया है, अब मैं इसे मटन बिरयानी में डाल रही हूँ। इस तरह से फैलाइए धीरे धीरे से, धीरे धीरे से इस तरह से फैलाइए। अब मैं ये झोल डाल रही हूँ इस पर, ताकि चावल चिपके ना। सेकेंड लेयर चावल का, फिर से झोल डाल रही हूँ, थोड़ा सा येलो कलर। मैं अभी इसे ढककर आधे घंटे के लिए पका लूँगी। मैं आधे घंटे के लिए दम दूँगी बिरयानी को। देखिए बिरयानी एकदम परफेक्ट बनी है। गोश्त अच्छे से गल गया है। मटन बिरयानी रेडी।